संतोष सर, एशियन पेंट्स क्या राय बनती है इस वक्त? देखिए, एशियन पेंट्स में कंचन, अगर देखोगे आप इनके चार्ट को तो ब्रॉडली तकरीबन आप समझ लो कि 1 साल से जो है ऊपर हो गया है, जबकि कंपनी के स्टॉक प्राइस एक बड़े दायरे में घूम रहे हैं। अगर आप 1 साल से ऊपर का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि घूम रहे हैं, और उस बीच में सब चीजों के दाम, चूंकि जैसा मैं अभी बता ही रहा था कि नोसल में हमने जो चीजें देखी हैं वो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली हैं। एशियन पेंट के साथ कुछ और दिक्कतें हैं इस इनके सेक्टर में अगर हम देख लें, क्योंकि ग्राजिम जैसी कंपनी है वो प्लान कर रही है कि 1-2 साल में उनके भी ब्रांड्स आ जाएंगे। दूसरा, जीएसडब्ल्यू एनर्जी भी प्लान कर रही है कि पेंट सेक्टर में आ जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं सप्लाई जो है इस सेक्टर में ज्यादा होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली अनस्केथेड होगा एशियन पेंट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ इट्स कह लें कि इनका जो स्किल सेट है इनके पास, उसके कारण शायद ये रिलेटिवली, लेकिन जो जो कि पैकिंग ऑर्डर में जो नीचे हैं कंपनियां, अगर आप देख लो फॉर दैट मैटर बर्जर पेंट है या फिर एक्जो नॉबल है, ये इन कंपनियों को ज्यादा हिट हो सकता है, क्योंकि इनको काफी बड़ा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा ये जो नई सप्लाई आ रही है। तो ओवरऑल जी जो चार्ट को भी अगर आप देखोगे, कंसोलिडेशन है, जब तक कि सप्लाई आ रही है तब तक मार्केट शायद बहुत सतर्क होकर देख रहा है, इसलिए ऊपरी स्तरों पे 3500 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, बार बार जाके घूम रहा है, और नीचे 2500 के करीब, मतलब 1000 पॉइंट का एक बड़ा वाइड रेंज है जिसके अंदर घूम रहा है, और अभी एकदम बीच में खड़ा है। तो आपने आपको मैंने बताया कि जो फंडामेंटली चीजें हैं उसमें ट्रिगर कब होंगी, कि इनमें जो सप्लाई आ रही है या तो वो ठीक से पिच नहीं कर पाए या फिर उनका स्टार्ट जो है वो ठीक नहीं हो पाए, देन आई थिंक दिस कंपनी विल राइड दैट मूव। लेकिन अदरवाइज थोड़ी सप्लाई है, तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखें कि इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है दे मे नॉट रिपीट, एटलीस्ट इन अ शॉर्ट, मतलब आप समझ लो 2 से 4 सालों में शायद वो चीजें नहीं हो, और पेंट में ये थोड़ा पेन पॉइंट जरूर रहेगा। जी, तो सर ने काफी ज्यादा इनडेप्थ एनालिसिस दे दिया है एशियन पेंट्स पर।